आरएस बहुत डेंजर है भाई। और अभी दोबारा गिरते गिरते बचा भाई मैं कसम से। पीछे पापा थे, मेरे को लगता है मेरे पापा की ना किस्मत ज्यादा बेटर थी मेरे से, इसलिए वो बच गई भाई करने। तो पक्का गिरते मैं मेरे पापा दोनों साथ में। भी भाई मजाक नहीं, जो पावर है ना खड़चाई में आरस की है भाई। पिकअप तो चलो इवल के मैं मान लिया, बट जो पावर आरस में ना वो नहीं है भाई इसमें। भाई दोनों टायर ऐसे निकले ना, ऐसे करके बाइक निकली। मैंने पापा कह रहे भाई तू रहने दे, मैं चला तो अपनी चला ले। फरवरी में लेना बैड लक रहता है आरस के ऊपर, हमेशा गिरता हूँ। एक दो महीने की बात और है, उसके बाद आ जाएगी मेरे पास ही। तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई अभी मेरे को ना एनर्जी नहीं है बोलने की बिल्कुल भी। यहाँ लॉक लग रखा है और मैंने बाइक रात को यहाँ लगाई थी शटर के अंदर, अब ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ से खोलना औखा हो जाएगा। अब देखते कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चाबी है नहीं सूरज भाई के पास, सब सूरज भाई की गाड़ी गुड़ी लेके जा रखे हैं, वो पता नहीं कब तक आएंगे। तुम जाए नहीं अभी कौन नहीं आए? चलो बढ़िया भाई, वो नीरज आया ना उसी के शटर आइए खोल देगा फटाफट। तो भाई एक घंटा हो गया सड़क पे बैठा हूँ मैं और अभी तक नीरज भाई आया नहीं। शटर के अंदर बाइक लॉक है, बाइक निकालनी थी पॉसिबल नहीं हो रहा। बैठा हूँ तमाशा देख रहा हूँ जिंदगी के। ये देख लो भाई सारे बैठ रखे यहाँ पर आराम से बैठ रखे। कह रहे भाई हम चाबी का वेट कर रहे हैं और गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और डैडी को छोड़ने जा रहा हूँ भाई मैं आज। तो आरएस भी आ रही है, जसपाल भाई को मैंने बोल रखा आज वो आरएस लेके आ रहे हैं। बैठ जाओ। यहाँ पर आ रही मेरी आरस और मैं पहले बाइक लगा लेता हूँ साइड में, यहाँ पर लग जाएगी। तो बड़े भाई ने बोला कि वेट कर लेना मेरा ना, तो मैंने कहा आजू कोई नहीं हम वेट कर लेते हैं। और मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है आरस चलाने, इसलिए मैंने कहा कोई नहीं अब आजू फिर आरस चलाएंगे। ऐसे यहीं पर लॉक करता हूँ यहाँ। तो आपको पता है भाई यहाँ पत्थरों के पास ना पत्थर रहा वो रख दो, क्योंकि साले गियर छूट जाते हैं और सीधे स्टैंड से निकल जाएगी बाइक। खड़ी चढ़ाई बहुत है यार, ये देख लो आ गई भाई अपनी आरस। ये रही अपनी एवल, अभी आरस आएगी दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। जादू 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 बस मार्च तक, मार्च में नहीं हाँ मार्च में लेके आऊँगा। फरवरी में लेना बैड लक रहता है आरस के ऊपर, हमेशा गिरता हूँ। एक दो महीने की बात और है, उसके बाद आ जाएगी मेरे पास ही। ये आई मिली बेच पड़ो हाँ एक नंबर। इसके तो भाई ब्रेक दबा के रखनी पड़ती है। अबे काफ़ी टाइम के बाद आई ना अपने पास ये नीली में अपनी, तो इसके अभी किलोमीटर चेक करते हैं कितने किलोमीटर डन हो चुके हैं। 20,000 किलोमीटर लास्ट टाइम थी, अभी देखते हैं। हैंडल थोड़ा हार्ड हो गया यार इसका भी भाई, सीरियसली अभी आरस ने ना खा लिया था मेरे को। चलो इसका टायर निकल रहा पीछे वाला बहुत गंदी तरीके से भाई, दोनों टायर ऐसे निकले ना ऐसे करके बाइक निकली। मैंने पापा कह रहे भाई तू रहने दे, मैं चला तो अपनी चला ले, जस्सी भाई को दे दे चलाने के लिए। तो मजाक नहीं स्पीड में थी 10-20 की स्पीड थी और टायर इतना गंदा निकला ना भाई पीछे के, सीरियसली बच गया भाई मैं, मजाक नहीं बहुत गंदा सीन हुआ अभी। पता नहीं कैसे बच गया, बच गया। आरएस बहुत डेंजर है भाई, अब इसका टायर देखना भाई बहुत गंदे निकलते हैं ऐसे रोड पे तो खासकर। मैं जाग नहीं, मैं ना अभी टाइम मेरे को ऐसा लगा कि भाई बस गिर गया मैं, मेरे पापा पीछे बैठ रखे थे डर के मारे कैसे बैठ रखे। ओ भाई डरा दिया था मैंने, बहुत गंदा निकला टायर, बच गया पता नहीं कैसे, बचा ली मैंने। मैं पानी पूनी में इधर उधर ले जाके बाइक को रोक लिया, इतना गंदा मतलब टायर स्लिप हुआ ना भाई, मुझे ही पता है भाई बाइक पूरी एक तरफ हो गई थी भाई। आरएस ने आज मेरे को दोबारा डरा दिया, मैं कहा था इसे मार्च में लेके जाऊंगा, क्योंकि देखो इस टाइम पे ना इस टाइम से मतलब दिसंबर के बाद इसमें ना वो हो जाता है काल शुरू हो जाता है मेरे लिए, ये गिरने वाली हो जाती है। और अभी दोबारा गिरते गिरते बचा भाई मैं कसम से। पीछे पापा थे, मेरे को लगता है मेरे पापा की ना किस्मत ज़्यादा बेटर थी मेरे से, इसलिए वो बच गई बाइक करने। तो पक्का गिरते मैं मेरे पापा दोनों साथ में, बट इसलिए अब आरस तो भाई जनवरी के बाद ही लेके जाऊंगा। मेरे पे तो भाई ये चलती नहीं ढंग से, ये मेरे को खाने के लिए दौड़ती है। पर मेरे लकी भाई की ही है भाई, इसे चलाता हूँ ना मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सारे सॉर्ट हो जाते हैं, सब कुछ सेट होल्ड हो जाता है। जो तो अच्छे के लिए होता है, बट ये वाला जो अच्छा हुआ ना बहुत अच्छा हुआ भाई, थोड़ा सा अगर वो जाता ना बहुत गंदा गिरता मैं। फिर इसलिए अगर मेरे घर में नीचे गाड़ी पार्किंग की जगह होती है ना चंडीगढ़ में, तो मैं दो बाइक के लेने की जगह ना मैं सिर्फ एक ही बाइक अफोर्ड करूँ, गाड़ी मतलब ले लेता इसकी जगह। बट वहाँ पर ऐसा है कि यार कार खड़ी करने की जगह ही नहीं है, इसलिए बाइक लेनी पड़ती है। और वो भी इतने गंदी किस्मत
देख लो, एक गांव, एक बाइक गांव में चल रही है, एक मेरी चंडीगढ़ में। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है बाइक खड़ाने की। जगह हो जाती है तो भाई दो दो बाइकों की तो मजा आ जाता है। बट अब मैं अपनी डिस्कवर सोच रहा हूँ सेल कर दूँ, क्योंकि फिर थोड़ा जगह खाली होगी। आरएस को सेल करने का मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, तो डिस्कवरी जाएगी बेसिकली लग रहा है। ऐसा ना, एक छोटी बाइक होनी चाहिए मेरे को। कई बार ऐसा लगता है छोटी बाइक होनी चाहिए, काम कुम के काम आती है, सामान ढोने के लिए, सिलेंडर हो गया, घर का राशन पानी हो गया, बहुत कुछ यार, उसके लिए भी बेस्ट है। भाई सुबह से यहीं पर बैठ रखे हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। भाई सीरियसली कह रहा हूँ, ठंड पता कितनी लग रही है मेरे को। सुबह एकदम मौसम गर्मा गर्म था, बट अभी इतना ठंडा हो गया ना, समझ नहीं आ रहा भाई, ठंड इतनी लग रही है। अब मेरे को ठंड लग रही भाई, मैंने ग्लव्स भी नहीं ले रखे और ये जैकेट में ना हवा इतनी घुस रही है ना मेरे को, बस क्या बोलूँ मैं अब। यहाँ पर ये चौकी भाई हमारी तरह की, जहाँ पर हेलमेट वगैरह चेक होते हैं और बाइकों के स्पीड वगैरह देखी जाती है। ज़्यादातर उन्हीं को रोका जाता है यार यहाँ पर, जिनके हेलमेट नहीं लगा रखते हैं। हमने तो भाई हेलमेट एकदम कैरी कर रखे अपने सेफ्टी के हिसाब से, जैसे जो सेफ्टी में लगेगा। और यहाँ पर अभी काम चल रहा है ना, रोड बन रहा है, तो भाई बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर। एक एक घंटा दो दो घंटा गाड़ियाँ फंसी रहती है, वेट करना पड़ेगा, इतना सारा लैंडस्लाइड हो गया। ऊपर देखो बंदर भी आ रखे हैं, दिख भी नहीं रहे, उनका कलर डिट्टो कॉपी है, मतलब इनकी तरह मिट्टी की तरह ही रंग है उनका भी। भाई नीचे वाला जो ऑफ रोड है ना कंप्लीट कर लिया, अभी इधर चल रहे हैं। और अभी भी भाई मजाक नहीं, जो पावर है ना खड़चाई में आरएस की है भाई। पिकअप तो चलो एवल के मैं मान लिया, बट जो पावर आरएस में है ना वो नहीं है भाई इसमें। और मेरे को सच में अब डर लग रहा है साली बाइक पे भी, क्योंकि मैंने ट्रैक्शन कर दिया बंद। ट्रैक्शन बंद होने के बाद ना थोड़ा सा टायर इसका निकल रहा है, इतना तो नहीं निकल रहा बट फिर भी निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे टायर ख़त्म ही हो गए मेरे सारे, गियर भी बड़ा कर रखा मैंने। आरएस चल रही है तीसरे चौथे पे और ये चल रही दूसरे तीसरे पे, इतना डिफरेंस है भाई। पावर में बहुत डिफरेंस है, आरएस आरएस है यार। जिस बंदे को आरएस पसंद नहीं है ना, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि भाई वो डरते हैं गिरने से। और मेरे को इसकी पावर इतनी पसंद है ना, देखो इसकी जो लुक्स है हर एक चीज मेरे को अच्छी लगती है उसमें। और उससे अच्छी बैटर बाइकें हैं, बट उससे यार जिसे प्यार होगा वो वही चलाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए एविल है, जो भी मतलब ये R15 है, इससे भी भाई बंदे को अच्छा अट्रैक्शन है, तो इसलिए बंदा इसे ज़्यादा पसंद करता है, लेता है, खरीदता है। बट पावर तो नहीं है ना इसमें, अब बंदा बोले यार मेरे को ड्यूक लेनी चाहिए थी पावर के लिए, तो यार वैसे मिल ले आरएस है। मैं सोचता यार इससे बढ़िया मैं आरएस चला लूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है उसे चलाने में। पावर भी पूरी है, जितनी चाहिए उतनी है, कम ना ज़्यादा, एकदम पावर पैक है वो, कि भाई ना ज़्यादा ही, इतनी कम भी नहीं है कि कहीं वो हो जाए, या इतनी ज़्यादा भी नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास पावर बना रखी है, ना ज़्यादा ना कम। और उतनी पावर पिकअप इसमें होती है ना भाई, मैं कह रहा हूँ ये वाली बाइक भी रॉक एंड रोल होती है, अपने 300 से सेगमेंट में सबको खा जाती है। बट वही है ना, कुछ चीज़ें होनी जरूरी नहीं होती है, कुछ चीज़ें जरूरी होती है। फिट अगर इसमें उतनी सेम पावर होती है, इसके इंजन में सेम प्रॉब्लम होती जो आरएस में आती है या किसी और बाइक ब्रांड के बाइकों में आती है। यामा में भी वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बड़े इंजनों में रहती रहती प्रॉब्लम सर, सिंगल सिलेंडर में खासकर, डबल सिलेंडर में ये प्रॉब्लम नहीं आती है।